अद्भुत अद्भुत तात्या जी, अद्भुत। बड़ी ही विलक्षण कुंडली है इस कन्या मणिकर्णिका की। हमारे महाराज गंगाधर राव के तेजस्वी ग्रहों से पूर्णतया मेल खाती है। ताते गुरु, हमारे हिंदुस्तान का झंडा ऐसा ही होगा ना? हाँ बेटा, होना तो कुछ ऐसा ही चाहिए। इसी बात का दुख है कि हमारे देश में अनेक झंडे हैं। जिस दिन ये अनेक झंडे सिमट कर एक हो गए ना, उस दिन हमारे ये भारतवर्ष फिर से भारत बन जाएगा। ये झंडा हमारी नारी सेना का प्रतीक है, कल पूरे देश का प्रतीक होगा। तुम इस भ्रम में ना रहो कि तुम्हारी चालें कोई नहीं समझ सकता और दोबारा तुम झांसी की गद्दी पर कब्जा कर लोगे। पर तुम्हारे पल पल पर मेरी दृष्टि है। कृष्ण राव बेचारा अपने दत्तक पौत्र को बहला रखा है, पर इस मूर्ख के भाग्य में सिंहासन नहीं, केवल जीवन पर तिल मिलाना लिखा है। तूने मेरा पति हरा, मैं तेरे सपने हार लूंगी। वेश्या पुत्र, झांसी की गद्दी पर कभी नहीं बैठ सकता। आप केवल ठुमके लगाइए, नहीं तुम्हारे पग में मैंने कांटे बिछाए ना तो मेरा नाम भी जानकी बाई नहीं। ज्योतिषाचार्य पधारे हैं। बुलाइए। कहिए शास्त्री जी, क्या समाचार लेकर आए हैं आप?
महारानी साहिबा, आज इस सेवक से मिलने तात्या दीक्षित आए थे। तात्या दीक्षित आए थे आपसे मिलने? जी, महाराज गंगाधर राव के लिए एक कन्या की अत्यंत अद्भुत कुंडली है उनके पास, जिसके सभी गुण महाराज के ग्रहों से मेल खाते हैं। क्या नाम है उस कन्या का? कन्या का नाम मणिकर्णिका है महारानी साहिबा। अगर तात्या दीक्षित ने उस कन्या को ढूंढ निकाला तो झांसी की गद्दी का दावा करने वाले सभी हाथ मलते रह जाएंगे। शास्त्री जी, अत्यंत शुभ समाचार लेकर आए हैं आप। क्षमा करें महारानी साहिबा, ये आपके लिए शुभ समाचार है। अवश्य। अब आप एक काम कीजिए शास्त्री जी। आप आदेश दें महारानी साहिबा। शीघ्र ही तात्या दीक्षित से मिलकर वो कुंडली प्राप्त कीजिए। महारानी साहिबा, लेकिन सिर्फ कुंडली से क्या होगा? मणिकर्णिका को हम लेकर आएंगे। समझ गया, यानी आप किसी दूसरी बात को... नहीं, काम कीजिए, हम आपको प्रसन्न कर देंगे। शांता, शांता। जी बहनी साहब। शुद्ध धोती निकाल देना। मैं कहती थी ना कि हम पकड़े जाएंगे। कुछ नहीं होगा, अब क्या करें? आओ मेरे साथ। सौराष्ट्रे सोमनाथे च श्रीशैले मल्लिकार्जुन। अभी पता चल जाएगा, हम तो कह देंगे हमने कुछ नहीं किया। ये क्या, ये कैसे फटा? शिवानी साहब, मुझे नहीं मालूम, पर वो मैं। चुप, तू ही तो मेरे सारे वस्त्र रखती है ना, मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा दिया है। हम खुद अपने हाथों से इसको चलाएंगे। जो तीर बनाने की टेक्निक बताया था तुमने, उसी तरह से तीर बनाया था ना? Yes, sir. तो फिर एरो चला क्यों नहीं? बस हमें दूसरा एरो दो, दूसरा एरो दो। Go!
बड़ी गर्ल मानू ने हम सबको बेवकूफ बना दिया। उसने हमको तीर बनाना की टेक्निक पूरी तरह से नहीं सिखाया। उसको नहीं छोड़ेंगे। सर, आपसे मिलने के लिए ध्रुपद आया है। बुलाओ उसे। नमस्कार सर। अरे आपका चेहरा काला कैसे पड़ गया? हैंडकरचीफ लाओ। छोड़ो उससे। क्या कपल आया है तुम्हें? साहब, कल रात लाल टीले के पास मैंने किसी को झंडा लगाते देखा। किसी को? साहब, शायद वो मनु ही थी। जाना है ना, इसीलिए। ठीक है शांता, हम बना कर ला देंगे। मैं इसे ले जाती हूँ। देवा, बहुत काम बाकी है। मनु दीदी, क्या हम फूलों का हार ही बनाएंगे? वहाँ नहीं जाएंगे? कहाँ? वहाँ टीले पे हम सैनिक हैं। चलेंगे, लेकिन मैजिस्टी को बचाओ बचोर का कमिश्नर जेम्स मैनसन आया है। बहुत जरूरी बात करनी है। इट्स वेरी अर्जेंट। पधारिए, विंसेंट साहब। स्मिथ, ये क्या है? झंडा है, आखिर बात क्या है? बात ये है योर मैजेस्टी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की तैयारी हो रही है। क्या कह रहे हो? एक छोटे से झंडे से आपको विद्रोह दिखाई देने लगा है? झंडा हमारे धर्म और गौरव का प्रतीक है। बिठूर के आधे से अधिक मंदिरों में, घरों में लगा दिखाई देगा। अब आपको इससे ये झंडा आपके यहाँ बनाया गया है। ये झंडा कमिश्नरी के सामने वाले टीले पर मानुभाई ने लगाया है। देखिए मिंसन साहब, आप अपनी सीमा से अधिक बढ़ रहे हैं। मैं जानता था कि आप यही के, इसलिए विटनेस साथ लेके आया हूं। रूपर, बताओ हिज मैजेस्टी। जी साहब, हमने अपनी आंखों से कल रात मनु भाई को इस झंडे को लगाते देखा है। रात को अंधेरे में जब हाथ को हाथ नहीं सुझाई पड़ता, तो तुमने उस टीले पर मनुभाई को देख भी लिया? अरे तुम्हारी द्रव्यदृष्टि। हमारा आशा है कि हमको लगा कि वो मनुभाई थी। झूठ, एकदम झूठ।
श्रीमंत सरकार, ये धूर्त झूठ बोल रहा है। योर मैजेस्टी, मानू को बुलाइए, उसके दिल में हमारे खिलाफ आग भरी। हमें तो अब यकीन हो गया है कि टोलपुर में हमारा फ्लैग भी उसी ने जलाया है। व्यंजन साहब, आधारहीन आरोप लगाते आप जैसे लोगों को शोभा नहीं देता। पिछली बार भी आप लोग ऐसे छुटे आरोप लगाकर हमारी छबिली को बंदी बनाकर ले गए थे, लेकिन इस बार नहीं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अध्यार, हमारी छबिली को बुलाओ। श्रीमंत। कमिश्नर साहब, उस दिन इस नीच ने दुर्गा पूजा के अवसर पर उपद्रव खड़ा किया था, आज इसने आपको फिर भड़का दिया और आप यहां चले आए। नो, मैं जानता है। छबिली, क्या तुमने यह झंडा कमिश्नरी के सामने वाले टीले पर जाकर लगाया है? क्या तुमने यह झंडा कमिश्नरी के सामने वाले टीले पर जाकर लगाया है? सोबा, हम तो पूरा दिन महल में थे। आजी साहब से पूछ लीजिए। ये सत्य कह रही है श्रीमंत सरकार, शुद्धिकरण के बाद से बिना हमारे ये अकेली कहीं नहीं गई। इनका आरोप झूठा है, लेकिन ध्रुपद ने खुद अपनी आंखों से। यस साहब, का दूसरा नाम हमारी वहिनी साहब है। आप लोगों को झूठे आरोप लगाकर धमकी देने की आदत जो पड़ी है, जानते हैं ना, ये निर्वासित पेशवा क्या करेगा? योर मैजेस्टी, आप बस, हमें कुछ नहीं सुनना, अब जा सकते हैं। जानते हैं छबिली, तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन घबराना नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारे आजूबा और वहिनी साहब। हमें तुम पर गर्व है बेटा। क्या हुआ ताते गुरु, हमने ऐसा क्या कर दिया? नहीं मनु, हम ये नहीं कह रहे कि ये कार्य तुमने किया है, परंतु जिसने भी ये गौरवशाली कार्य किया है, तुम्हारे विचार अवश्य उस तक पहुंच गए हैं।